नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उन्नाव में पटाखों की दुकान पर प्रशासन का छापा, सुरक्षा मानकों की जांच, डीएम ने कहा दीपावली तक चलेगा अभियान। आगामी दिवाली पर्व को देखते हुए जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने पटाखों की दुकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को प्रमुख बाजारों और क्षेत्रों में स्थित पटाखों की दुकानों की गहन जांच की गई। छापेमारी का उद्देश्य दुकानों में पटाखों के भंडारण और आग बुझाने के उपकरणों की स्थिति का जायजा लेना था, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों की टीम ने की दुकानों की गहन जांच। अग्निशमन अधिकारी शिवराम यादव और नायब तहसीलदार ने जिले के अब्बासपुर सहित प्रमुख बाजारों में पटाखों की दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकानदारों से लाइसेंस, भंडारण क्षमता और सुरक्षा उपकरणों से संबंधित जानकारी मांगी गई। अधिकारियों ने दुकानों में मौजूद आग बुझाने वाले सिलेंडरों और अन्य सुरक्षा उपायों का भी निरीक्षण किया। नायब तहसीलदार ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी हाल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी ना की जाए। जिन दुकानों में कमियां पाई गईं, वहां सुधार के लिए चेतावनी दी गई, जबकि कुछ दुकानदारों ने सुधार करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। डीएम ने छापेमारी के बाद कहा कि दिवाली के दिन पटाखों के भंडारण और बिक्री में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर कोई दुकानदार सुरक्षा नियमों की अनदेखी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि यह छापेमारी अभियान दिवाली तक जारी रहेगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रशासन की इस मुहिम से दुकानदारों में हड़कंप मच गया, लेकिन इस कदम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन्नाव में दिवाली का पर्व सुरक्षित और उल्लासपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।